वेलकम टू चायोस। 15% डिस्काउंट सीधा कद्दू फरकने पड़ता। Hi guys, this is Vishti. Welcome back to my channel and I hope you are safe. तो भाई आपको समझ आ गया होगा आज हम क्या करने वाले हैं। तो भाई सर्दियां जाने वाली हैं तो मैंने सोचा चाय उसका लुप्त उठाया जाए और 24 घंटे हम सिर्फ और सिर्फ चाय से खाने वाले हैं। तो अपनी फेवरेट चीज नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना और आपको भी आगे आगे पता चलेगा मुझे क्या पसंद है चाय में। चलते हैं अपनी पहली लोकेशन पे, सो लेट्स गो एंड हैव सम फन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट एंड आई डिडंट नो कि चाय उसके मेन्यू में ये भी एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज अंडा पराठा और ये बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। पूरा ऐसा लग रहा है अंडा ही दे दिया। अच्छा नहीं, नीचे पराठा है और ऊपर अंडे की लेयर है, साथ में कुछ मियोनीस टाइप डिप दिया हमें। 159 का पड़ा है मुझे एंड माई फेवरेट देसी चाय। मैंने इसमें सौंफ, इलायची और अदरक डलवाया है। 99 रुपीज की पड़ी है पर ना चाय उसमें कुछ ये कुछ चल रहा है ये चायो सिलेक्ट करके, तो आप 199 की मेंबरशिप ले सकते हो। तो 3 महीने की मेंबरशिप है तो इसमें आपको 15% हर ऑर्डर में आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपको अपना नंबर डलवाना है, OTP आएगा और 15% डिस्काउंट सीधा। तो मैंने तो भाई ले लिया। अगर आपको भी चाय पसंद है तो आप ले लेना ये वाला। आज तो मेरे बहुत काम आने वाला है क्योंकि आज हमें पूरा दिन चाय में खाना है। तो इसीलिए भी मेरा ये सीन था कि मैं ये ले लेती हूं ताकि पैसा वसूल तो आज ही हो जाएगा इसका हमारा। अच्छा ये मैं कोई प्रमोशन के लिए नहीं बता रही हूँ, ये सिर्फ मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। जनहित में जा रही, लेना है लो, नहीं लेना मतलब मेरे को कद्दू फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो दिस लुक्स यम्मी एंड टेस्टी एंड सो गुड। पूरी अंडे की प्रॉपर लेयर डाली गई है ऊपर। कुछ इसने क्या लगाया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा सा लग रहा है क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ऑल्दो मेरा नाक बंद है, एक हफ्ते से कुछ टेस्ट स्मेल नहीं आ रहा ढंग से, बट इसकी खुशबू मुझे अंदर तक जा रही है मेरे। और तो मैंने नॉनवेज नहीं खाया, पता नहीं मुझे नॉनवेज वाली फील आ रही है उसे खा के। कुछ तो इन्होंने ऊपर लेयर लगाई है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। परांठा बहुत थिन है और अंडे का पूरा टेस्ट आ रहा है उसकी वजह से। जनरली अंडा परांठे के अंदर डाल के दिया जाता है तो ये ऊपर वाला सीन भी मुझे काफी बढ़िया लगा। यम्मी भाई, मेरी सीधी नजर पड़ी, मैंने यही ऑर्डर किया। मैंने कहा ये खाते हैं ब्रेकफास्ट में, अब अपनी देसी चाय पी लेते हैं। इन्होंने काफी बार पिया तो मुझे काफी सही लगती है। मैं स्पिल नहीं करूं तो कैसे चलेगा। सर्दियों में से जन्नत यही है भाई, जन्नत के नजारे लेते हैं और मिलते हैं सीधा बाद में। तो भाई अब हम आए हैं वापस से चाय में और मैंने लिया है ये पाव भाजी। और मेरा डेजर्ट खाने का कुछ मन था तो मेरे को ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, ये है बनाना वॉलेट केक। एंड इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस क्योंकि मेरा तो ये फेवरेट है यहाँ का। थोड़ा सा सिनेमन डला होता है और बनाना का फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनका बनाना वॉलेट केक खाते खाते मुझे इतनी चुल मची, मैंने खुद भी इसे बेक करना स्टार्ट कर दिया। आई रियली लाइक इट। तो मैंने ये लिया है कुल्लड़ पाव भाजी। तो 2 कुल्लड़ में हमें भाजी मिली है। दिस इज़ फॉर 219 रुपीज़ एंड काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये। और मैंने सुबह आपको बताया था कि मैंने वो उनका कूपन ले लिया है, मेंबरशिप ले लिया है, तो मुझे 63 रुपीज़ सेव हुए। मॉर्निंग में मेरे 40 रुपये को सेव हुए थे तो मेरे 100 रुपये तो यहीं बच गए और मैंने 200 रुपये को उसकी मेंबरशिप लिया है। सो इट्स अ क्वाइट अ गुड डील। तो 2 पाव हमें सेक के दिए गए हैं।
एक्सपेंसिव तो है बट ठीक है, चाय नहीं ली इस बारी मैंने, चाय अब शाम को ही पियेंगे। तो पूरी बटरी भाजी है ये, थोड़ी सी ग्रेवी पतली है, थोड़ा सा इन्होंने प्याज भी दिया है हमको, इस पर डाल लेते हैं और नींबू डाल लेते हैं। असली पाव भाजी ऐसी खाई जाती है ये। बटर का पूरा टेस्ट आ रहा है और भाजी भी बढ़िया बनाई हुई है, पर ठीक है थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। और चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, सुबह वाला अंडा पराठा बहुत टेस्टी था, बट मेरा हाथ नहीं रुक रहा, इट इज जेन्युइनली यम्मी। So this is quite a slice, bro. It is for 179 rupees, which is okay because it is very tasty. So price doesn't matter when the thing is yummy. ये गरम गरम टी केक ना इनका बहुत लाजवाब होता है। वेलकम टू चायोस। तो भाई चायोस में बार बार खाने के बाद मैंने इनके नए मेन्यू से अब लिया है, और मैं सोचा कि ये इनकी आमंड चाय ट्राई करते हैं। तो मैंने काफी सारे छोटे छोटे पीसे इस आमंड के डाल रखे हैं इसमें, और साथ में मैंने ये लिया है न्यूटेला बन, ये मुझे 109 रुपीस का पड़ा है, और मैं थोड़े 200 रुपये और डाल के पूरा न्यूटेला की डब्बी खरीद लेती। ये भी ठीक है। तो बन में ना इन्होंने न्यूटेला लगा रखा है, पता नहीं मेरा मन कर रहा था खाने का तो मैंने ले लिया, और ये 159 रुपीस की पड़ी है, और सेविंग्स के बाद मुझे 42 रुपीस की सेविंग्स हुई है। ब्रेड न्यूटेला सबने खा रखा है तो एग्जैक्टली वही टेस्ट है इसका, मेन बातचीत इसकी है। एक बार लगा गौतम गंभीर है बार। बहुत सारा आमंड डाला इसको पीकर ना, वो वाली इनकी जो शाही चाय होती है ना, वो रिमाइंड वो याद आ रही है मुझे, वो थोड़ी गाढ़ी होती है, उसमें आमंड बहुत अच्छा लगता है, इसमें भी सही लग रहा है, बट ठीक है ये 159 रुपीस के हिसाब से। इसमें ना मैंने मावा दूध का इस्तेमाल किया, मैंने पूछा कि हमने आमंड मिल्क किया इसलिए आमंड चाय, तो कह रहे कुछ मावा मिल्क हमने इस्तेमाल किया है और इसमें आमंड के पीसेस डाले हैं, तो अगर आपको एक बार ट्राई करनी है यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है ये। अब मिलते हैं आपको सीधा डिनर टाइम पे। तो गाइस पूरा दिन चाय उस खाने के बाद अब मेरा पेट फुल हो गया, तो इसीलिए मैंने अभी इतना कुछ ज़्यादा लिया नहीं है, और मैं गट्स एकदम मेट्रो स्टेशन पे छूट करी, कोई भी आकर कभी भी मना कर सकता है, बट एनीवेज हमें खतरों के खिलाड़ी। उसी के साथ अब मैंने साथ में लिया है इनका गार्डन फ्रेश सैंडविच, काफ़ी बढ़िया लग रहा था पढ़ने में मुझे, और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके अंदर खीरा टमाटर प्याज और हरी चटनी लगाई हुई है। दिस इज़ फॉर 130 समथिंग एंड 150 का मुझे पड़ा है। कितने का है ये? 169 का है ये, 169 का है, और टैक्स टूक्स लगा के 170 का पड़ा, डिस्काउंट लगा के मुझे पड़ा ये 150 रुपये कुछ का, 150 रुपया देगा। सो विच इज़ क्वाइट अ डील, आज काफ़ी पैसे मैंने सेव करे वो मेंबरशिप लेके। तो इन्होंने हमें चटनी के साथ सर्व किया है एंड काफ़ी हेल्दी मल्टीग्रेन ब्रेड है ये। पूरा दिन इतना हैवी खा खा के ना पेट एकदम भर गया था मेरा, तो इसलिए अभी मैंने एकदम लाइट मील लिया है, और काफ़ी अच्छा डिसीजन था ये मेरा, क्योंकि अंदर जो हरी सी चटनी डाली हुई है ना उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका, खट्टा मीठा टाइप। तो इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई दिस सैंडविच, एंड ये था हमारा आज का चैलेंज। आई होप यू लाइक द वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे बॉडी, बाय। क्या बोला तूने? बाय कर रही हूं, बाय। मेट्रो से भागना पड़ेगा वरना ये वीडियो डिलीट करवा देंगे। बाय बाय।